लोकपाल की शाखा खुलने के बाद दुमका में लोकपाल के सदस्यों की पहली बैठक हुई। बैठक में लोकपाल के सदस्यों ने जहां ग्राहकों को उनके अधिकार के बारे में बताया, वहीं लोगों से बैंक कर्मियों द्वारा लोन के एवज में पैसा मांगने या किसी कार्य के लिए बार बार दौड़ने पर इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से करने का आह्वान किया। हम लोग यहां बैंकिंग लोकपाल जो स्कीम है उसके के जागरूकता बढ़ाने के लिए हम यहां आज दुमका में आए हैं। जैसा सबको ज्ञात होगा कि पहले ये पटना में था, 1 दिसंबर 2016 से हम लोगों ने झारखंड के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस खोला यहां पे। आपको बता दें कि दुमका में लोन के नाम पर घूस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखने वाली बात ये है कि बैंकिंग लोकपाल से इस पर लगाम लगती है या नहीं। आज अभी कमलेश के कार्यालय का उद्घाटन है, संजय पासी के कार्यालय का उद्घाटन है, संजय कह रहे हैं बबलू पासी सादियाबाद उसके कार्यालय का उद्घाटन है और इनके यहाँ संजय के यहाँ मीटिंग कार्यक्रम अभी इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से अभी तो पहले छुआरा मंदिर सोच रहे हो या। आपको बता दें कि PMCH में डेंगू से पीड़ित 3 मरीजों को भर्ती किया गया है, लेकिन PMCH में डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स भी उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, मरीजों को इलाज के लिए सामान्य वार्ड में रखा गया है। सुख सुविधा चाहिए हमारे लिए, सलाइन चढ़ रहा और जो नर्स है वो जो सबके साथ करती है वो मेरे साथ भी कर रही है, इंजेक्शन दे रही है। मतलब फिर कोई वार्ड की व्यवस्था नहीं है? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा तो अभी तक तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं मिला हमको अभी तक। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को डेंगू है या नहीं इसकी जांच की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डेंगू का मरीज 3 नहीं आया, सस्पेक्टेड है। अभी उसकी कंफर्मेटरी जाँच हो रही है, डेंगू का जाँच होगा, अगर उसमें पॉजिटिव पाया जाएगा तब हम लोग कहेंगे वो डेंगू का मरीज है। बाहर से रेफर किया है, एक तो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई एक मरीज जो है, दूसरे को बुखार बहुत दिन से थी, 10 दिन से बुखार थी, वो लोकल में इसरी में ट्रीटमेंट करा रहे थे किसी लोकल डॉक्टर से, उनको यहाँ रेफर कर दिया गया। फिलहाल PMCH में मरीजों के इलाज के लिए कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में नेशनल असेसमेंट सर्वे के तहत SDM द्वारा इंद्री के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के तहत SDM ने इंद्री और खानपुर स्थित गर्ल्स स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और स्कूलों में दी जा रही शिक्षा का आकलन किया। इस दौरान SDM प्रदीप कौशिक ने स्कूल में बच्चों से शिक्षा संबंधी अनेक सवाल पूछे, पर बच्चे सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए। SDM ने कहा कि ये सर्वे स्कूलों में अध्यापकों की कार्यप्रणाली को देखने और बच्चों में शिक्षा स्तर का निरीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। के ऊपर क्या पकड़ है, उनकी लर्निंग प्रोसेस कैसे है, उनका किस तरीके से ग्रेस्प कर पा रहे हैं, हीरिंग और लर्निंग एबिलिटी उनकी क्या है, हीरिंग के बाद जैसे लिसन किया और किस तरीके से वो ग्रेस्प करते हैं, कितनी पकड़ है उनकी, उनका एप्टीट्यूड और उनका जो सांख्यिकीय एप्टीट्यूड है, गणितीय एप्टीट्यूड है, वैज्ञानिक जो उनकी सोच है, इसके ऊपर एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है जो सर्वे, उसका एक सर्वे भी है पूरा थ्रू ऑफ इंडिया। उस एग्जाम को लेके मैंने विजिट की थी, उसके साथ साथ मैंने जिन स्कूलों को विजिट किया उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस, अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे तो ठीक हैं, पर शिक्षा के स्तर में सुधार काफी आवश्यक है। उन्होंने अध्यापकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बच्चों में शिक्षा के स्तर को और ऊपर उठाया जाना चाहिए। स्कूल मैंने किए हैं खानपुर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंद्री, दोनों स्कूलों में देखा तो पाया यह है कि सुविधाएं ठीक हैं, संतोषजनक हैं, लेकिन जो एकेडमिक का पार्ट है, शैक्षणिक जो पार्ट है, वहाँ कहीं बच्चे जो है पीछे हैं, तो उसको थोड़ा सा अभी और मोटिवेशन करके उनको बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पर सभी विभागों और दफ्तरों में जाकर इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और अध्यापकों से अपील की है कि बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह से सजग रहें।